ये आगे कई साल हो गए। दारू के बारे में क्या सोचते हो? कुछ भी नहीं, रोटी खाए कोई ये सोचते हो। दारू अच्छी चीज़ है खराब चीज़ है? नहीं ठीक है, वो ऐसा ना मनोरंजन के लिए कोई है ना, गिलास वगैरह नहीं होता सो जाता आदमी। सरकार सरकार का मतलब क्या है? सरकार को वोट डालते हैं ना, आज झाड़ू आ गई, कल बीजेपी थी, कांग्रेस थी, उसके बारे में क्या सोचते हो? ये जो अपनी पार्टी बनाते हैं, कि अपना ये इलाका बन गया और वो कमाई करते पागल बनाते। पीटर लेट्स ड्रिंक टीचर, टुडे इज माई सेकेंड डेट विद टीचर्स। और गुरुओं का तो महत्व ही बहुत है, फिर गुरु जब बोतलों में आने लगे तो बात ही क्या है। इस चूतिए बाइक वाले को निकल ले दो, इसके पिछवाड़े में कुछ हो रहा है। हम यहाँ पे अपने गुरु से बात कर रहे हैं और ये पता नहीं कहाँ गुरु दक्षिणा दे रहा है अपनी। अच्छा जी छोड़िए, टीचर्स हो, ब्लैक डॉग हो, और ऐसे बड़े संभाल के रखे हुए ब्रांड है जिसका नाम बहुत चलता है, लोग बेवजह उनकी तारीफ़ें करते रहते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था, बट असल में इन ब्रांड्स, सबसे बड़ी बात है इन ब्रांड्स का इतना बोलचाल हवा क्यों है, क्योंकि ये एक तरह से गुरु है, टीचर है, एक तरह से संस्थापक है, मैंने लाइव में भी बोला था। और 1883 से ब्लैक डॉग बन रही थी और 1830 से ये बन रही है, तो बहुत ही यार एक अलग ही मज़ा है, टोरा है इनको पीने का। और हाई इन पीटेड मॉल्ट ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की राजस्थान से हमारे पास बोतल लो के आई है, और 780 रुपये का हमें यह हाफ मिला है दिल्ली में। लोग कहते हैं दिल्ली के सरकारी ठेकों पे कुछ नहीं मिलता, तो इससे पहले जो छोटी सी क्लिप मैंने अटैच करी वो दिल्ली के एक सरकारी ठेके की है, जहाँ पे आपको बहुत उचित उचित ब्रांड मिल जाते हैं मेरे भाई। तो जो लोग बकवास करते हैं थोड़ी कम किया करो भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा टीचर्स हाईलैंड क्रीम कंटेंस हाई प्रोपोर्शन ऑफ मॉल्ट विस्की विच प्रोड्यूसेस अ स्मूथ कॉम्प्लेक्स विस्की विद ग्रेटर कंसिस्टेंसी, इट रिलायबली रिप्रेजेंट हेरिटेज फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ ग्लास Cow and lends it very distinct and unique taste. Then when it creates a richer scotch that imparts a smoky peatiness, creating a flavor closest to the original taste of scotch whisky. बात करिए ओरिजिनैलिटी की और ग्लासगो शहर की। ग्लासगो के बारे में हम जरूर रिसर्च करेंगे और एक स्टोरी डालेंगे उसका इस वीडियो के साथ। और ये कुछ स्कॉटलैंड डिस्टिलरी ग्लासगो, स्कॉटलैंड का नक्शा है, उसके हिसाब से बताया गया है। और इट्स द स्टोरी ऑफ अ ग्लो दैट शोड द लाइट ऑन अ क्राफ्ट दैट रन्स जनरेशन डीप। इट वॉज इन ग्लासगो वेयर विलियम टीचर स्टार्टेड बाय एडिंग मोर देन द यूजुअल अमाउंट ऑफ मॉल्ट टू हिज ब्लेंडेड व्हिस्की मोर देन 180 ईयर्स अगो। जो विलियम टीचर जी थे, टीचर एक कास्ट है, जैसे कि बड़ाई एक कास्ट हो सकती है, माली एक कास्ट हो सकती है, तो वैसे टीचर एक कास्ट है, कर्मों के हिसाब से कास्ट होती है पुराने ज़माने में। वो अपने स्कॉच में कुछ ज़्यादा ही मॉल्ट डालते थे, मोर मॉल्ट मींट बेटर टेस्ट, ज़्यादा मॉल्ट डालना मतलब बेटर टेस्ट। द मॉल्ट गेव टीचर्स इट्स ओन लाइट, इट्स ओन गोल्डन ग्लो, एक अलग ही पहचान बना ली। वी थिंक इट्स द सोल ऑफ द विस्की एंड प्रूव दैट वन मैन सेल्फ बिलीव मेक्स गुड थिंग हैपन। टीचर्स द लाइट ऑफ स्कॉटलैंड, टीचर्स द लाइट ऑफ स्कॉटलैंड। विलियम टीचर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, टीचर्स में ज़्यादा मॉल्ट डाले और एक बेहतरीन विस्की बनी, जिसे लोग आत्मा और लाइट से भी कंपेयर कर रहे हैं। तो बहरहाल कल पी थी हमने विस्की लाइव में और आज हम पी रहे हैं इसको रिकॉर्ड करते हुए। एक पॉडकास्ट है, एक रिव्यू है मेरा चैनल, और मैं किसी को शराब पीने के लिए प्रेरित नहीं करता, और बस थोड़ा एंजॉय करता हूँ और दिखा देता हूँ। और ये हमने 24/7 से 200 ग्राम चिकन मंगवाया है, 200 ग्राम, दिस इज़ द चिकन। सो ये इसका भी रिव्यू हो जाएगा साथ साथ, टीचर के साथ अच्छा चिकन भी मिल जाएगा। सुना है थोड़ा खा लेना चाहिए पीने से पहले। उसके साथ एक और चीज़ है, गिव मी अ सेकंड। उस दिन की ब्लैक डॉग अभी भी बची हुई है, तो टीचर और ब्लैक डॉग का अच्छा कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो बहुत कुछ है चैनल पे, जिनको अच्छा लगता है वो देखते रहें। और आज टीचर्स के साथ कुछ डीप बातें होंगी मेरी,
कल मैं शायद लाइफ के चक्कर में इतना इसको महसूस नहीं कर सका, बट आज इसको कोशिश करूँगा कि पूरा महसूस कर सकूँ। स्मेल अगेन स्पाइसी है, बहुत कॉमन स्मेल है, नॉट सो यूनिक स्मेल वाइज, बट व्हेन आई पॉर इट व्हाट आई फाउंड दैट अगेन वेरी गुड कॉम्प्लेक्शन, गोल्डन कलर, जस्ट लाइक ब्लैक डॉग। फाउंटेन ऑफ फ्लेवर्स, स्वाद का एक फवारा सा आपके जहन में आता है। चिकन में ढक दूँ क्योंकि यहाँ पे फ्लाइज मच्छर बहुत है, और ज़रा से पानी के साथ टीचर्स का अगर आनंद लूँ। आइए थोड़ी वॉक करें यार। ड्रिंक लेके, एक घुटा हुआ मौसम है, इतना अच्छा मौसम तो नहीं कह सकते। शांत है, बादल शांत है, सारे तारे तो नहीं है, एरोप्लेन टिमटिमा रहा है, देख रहे हो आप। ये हमारी छत, वहाँ पड़ी टीचर्स, और यहाँ टीचर्स का एक शागिर्द जो आज ये पहली ड्रिंक पी रहा है। रिकॉर्डेड महफिल में आप सबके लिए, अपने लिए, और इस बैटमैन को देखिए, अगर आपको दिखा होगा तो। निकल गया रॉबिन को ढूंढने। चीयर्स टू विलियम टीचर, जय भैरव की। प्याला खत्म। तो कोई भी मोहताज नहीं है किसी भी इंट्रोडक्शन की, या टीचर्स विस्की हाईलैंड क्रीम वेरिएंट, और बहुत ही अच्छी विस्की। पर मैं सच बताऊं तो यूरोप के स्टैंडर्ड से एक बहुत साधारण, एक स्टैंडर्ड, एक क्लासिकल विस्की है टीचर्स, जो मुझे लगता है। मैं यूरोप तो नहीं गया, बट मुझे जो महसूस होता है मैं वो बोलता हूँ। कोई कैनेडियन यूरोपियन शायद, जो हम्बल है मेरे चैनल पे, वो बता सकता है मुझे कि वहाँ लोग टीचर्स को कैसे देखते हैं। हालांकि काफ़ी अच्छी ये स्वदेशी विस्की हमें मिली है। कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका भी स्कॉटलैंड है, जैसे ब्लैक डॉग का था, बट इसमें कोई काले कुत्ते वाला हिसाब नहीं है। आइए दूसरा लगाएं और देखते हैं इस बार क्या फलसफा देगी हमें टीचर्स। बहुत ही ना पीनटी फ्लेवर है, मूंगफली वाला, हल्का सा हनी भी है, और ये किसी ऐरे गैरे बंदे ने नहीं बनाई, ये वैद्यों ने बनाई है, ये ऋषि मुनियों ने बनाई है, तभी इनका इतना नाम है। ऋषि मुनि हमेशा ऑरेंज कपड़ों में नहीं होते बाय द वे, और ऋषि मुनि हमेशा बीजेपी में नहीं जाते। ये पॉलिटिक्स से पार की दुनिया है टीचर्स। सबसे अच्छी बात इन विस्की की क्या है कि किसी भी घूट में, स्कॉच विस्की इसकी बात क्या है सबसे अच्छी, किसी भी घूट में ये ब्लैंट नहीं होती, ये प्लेन नहीं होती। हर घूट में आपको, हर एक बूंद में एक्चुअली अपना फ्लेवर दे के जाती है, अपना एहसास दिला के जाती है। और सिर्फ विस्की वाली बात नहीं है, हल्की सी फ्रूटिश भी है, एंड विच इज़ ग्रेट थिंग बिकॉज मॉल्ट्स, बेरीज से तो खैर वाइन बनती है, बट और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बताओ अच्छी विस्की से, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी दे और नशा भी दे और रंग रूप भी उस जिसका अच्छा हो, और साथ साथ एक बेहतरीन अंदाज भी दे। पीने के बाद आपको भी एहसास हो कि वाह यार वाह, क्या विस्की पी मैंने।
बातचीत तो है भाई, और तभी बहुत फेमस है। चिकन इज ऑल्सो गुड, आई हैव पॉक ऑल्सो, आई एम सॉरी। जो मज़ा हाथ से खाने का है ना, देखो दो पैक के बाद, वो फोक से नहीं है, बट खाएंगे हम फोक से, क्यों नहीं खाएंगे भाई। रंग देखिए यार, रंग देखिए इसका, सॉरी मेरे हाथ थोड़े लबाबदार हो गए हैं, रंग देखिए आप इसका। है ना बातचीत। ऑल्सो अप्रिशिएट माई कैमरा मैन एंड माई कैमरा स्किल्स एंड वट्स, और ऐसे कैसे दिखेगी ये। चलो इससे पहले मैं अपने ऊपर गिरा लूँ, गुरु जी को यहाँ रख देते हैं। गुरु जी विस्की हाईलैंड क्रीम, यस इट्स बिट क्रीमी, नॉट वेरी मच क्रीमी, बट इट्स अ वेरी परफेक्ट सॉल्यूशन, बट वेरी परफेक्ट मिक्सचर ऑफ ग्रेट टोनिक टाइप ऑफ बिस्की। मतलब जैसे मैंने अपने लाइफ में ही बोला था, जैसे सर्दियों में माँ बच्चे को हल्दी देती है और औषधियाँ मिला के देती है कि इसका जुकाम ठीक हो जाए, तो कुछ कुछ वैसी बिस्की। आई लव दैट बिस्की। फिर भी मैं आपको सच बताऊँ, इस विस्की के साथ अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या बहुत थकान के बाद, ज़्यादातर चीज़ें अच्छी लगती है थकान के बाद, क्योंकि माइंड ही थक जाता है, बट एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। जितने भी मैं प्रीमियम ब्रांड पी रहा हूँ, ये सिर्फ विस्की तक नहीं रुकते, ये सिर्फ ड्रिंक्स नहीं है, ये एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आपको छोटे विस्की ब्रांड में ही आता है, बट वो बहुत एक क्लिक जैसा होता है और निकल जाता है। बट आई डोंट नो, मे बी इट्स माइंड गेम दैट यूरोपियंस फिट इन आवर माइंड दैट वो जो चीज़ बनाएंगे वो ज़्यादा अच्छी होगी, या सच्चाई में वो जो चीज़ बना रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि हमने ओकवुड भी पी, हमने ओकवुड क्रीक भी पी, और एक और पी थी ना, ओक कुछ ऐसे ही थी, ओक एंड ग्लो, अच्छी तो वो भी थी, बट उनका फ्लेवर ना ऐसा लगता है कि ऐसे बी कॉपी है, साइड कॉपी मारा हुआ है। फ्लेवर तो आता है बट वो बातचीत नहीं रहती, इसकी बातचीत बहुत है, और सबसे बड़ी बात बर्न आउट ही नहीं करती है। मैं बहुत कम पानी में पी रहा हूँ, बट इट डजेंट बर्न योर थ्रोट, डजेंट बर्न योर चेस्ट, दैट्स द मेन पॉइंट, दैट्स वाई क्वालिटी मैटर्स। एंड यार तभी ये लोगों की महफिलों में 1830 से छाई हुई है, चाहे वो यूरोप हो, आज भारतीय लोग भी, भारतीय महिलाएं भी इसका लबालब सेवन कर रही हैं और कह रही हैं अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दे, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है यार। जिन्होंने मेरी पहले जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो वो वीडियोस देखें, ओल्ड मॉन्क चार्ली रम का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आने वाली सर्द दिनों में भी रम के रिव्यूज़ आएंगे, और बेसिक ब्रांड्स लगभग मैं कवर कर चुका हूँ, और बीच में अगर कोई रिपीटेटिव हो जाए ब्रांड तो बुरा मत मानना, ऐसे ही चलता रहता है मेरे चैनल पे। और कई लोग कह रहे थे प्राइवेट ठेके बंद हो गए दिल्ली में तो ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल तो। हाँ बेशक अभी दूसरा ही दिन हुआ है, आज गांधी जी का जन्मदिन ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस विस्की मैन, वेरी नाइस, बहुत मज़ेदार विस्की है यार। किसी को गिफ्ट देने के लिए तो लाजवाब है, और किसी टीचर को गिफ्ट देने के लिए तो माइंड ब्लोइंग ही है, और कोई टीचर अगर स्टूडेंट को गिफ्ट दे तो भी लाजवाब है। उसके साथ ये जो तंदूरी ग्रिल चिकन हेल्दी एंड टेस्टी, इट इज़ नॉट अ प्रॉपरली चिकन ब्रेस्ट आई थिंक, चिकन मीट 68%, वेजिटेबल्स तंदूरी मेयोनीज, मिल्क सॉलिड्स, हंग कर्ड तंदूरी टिक्का बेस, एडिबल वेजिटेबल ऑयल। तो वैसे तो बड़ा नाप तोल के इसमें चीज़ें डाली हुई हैं जो हेल्दी कहते हैं डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस, स्वाद भी अच्छा है,
बट आई थिंक हमारे घर में हमारी मम्मी चाची ताइयाँ अच्छी और चटनियाँ बना लेती हैं इससे. सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. इसका 200 ग्राम ये 200 रुपए का है. सो ये पैक है, जो लोग हड़बड़ी में होते हैं, जॉब पे जा रहे होते हैं, उनके लिए तो ठीक है, बाकी हमारे लिए वही ठीक है भाई. इवन स्विगी इंस्टास्मार्ट से 500 ग्राम आप चिकन मंगाओ, वो आपको ऑफ़र के साथ 100-150 का पड़ जाए तो बहुत अच्छा है. 500 ग्राम भी क्वालिटी होती है. देखो आप जो दुकानों से लेते हो उनमें क्वालिटी नहीं होती. अभी रुक जाते हैं टीचर्स के साथ, इतनी जल्दी क्या है. तो मेरी तरह जो लोग छत की महफिल एंजॉय करते हैं और अलोन ड्रिंकिंग करते हैं, उनके लिए मेरा चैनल सदा बाहर बना रहेगा. और जो लोग अपने शहर देश से थोड़े दूर हैं, अपने दोस्तों को मिस करते हैं, अपने घर वालों को मिस करते हैं, उनको कोई साथी चाहिए, तो वो मेरी बातें सुनते हैं और मुझे अच्छे अच्छे बहुत रिप्लाइज़ भी आते हैं. और मैं बहुत खुश हूँ कि 90% लोग अच्छा ही रिप्लाई करते हैं. बेशक हम पीते हैं, बट पीने के साथ अच्छी तरह जीते हैं. और गुस्सा आ जाए तो किसी को छोड़ा नहीं करते हैं, और बगैर में बगैरतियों की तरह किसी का दिल तोड़ा नहीं करते. जो लोग भारत के बाहर से देख रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया. आपके देश मोहल्ले शहर में जो भी शराब मिलती है उसका सेवन अच्छी तरह करें. डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. अपने परिवार का, बच्चों का, माँ बाप का ख्याल रखें और मस्ती करें यार. ज़िंदगी जीने को मिली है. तंगी तुर्शियाँ तो महल बनाकर भी नहीं जाती. और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप एंड डाउन. एंड इफ विस्की कैन मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, ट्राई इट मैन. व्हाई डोंट आई नो कईयों के रिलीजियस बिलीव उन्हें विस्की पीने से रोकते हैं, बट हु केयर्स मैन. एंड किस किस बात की केयर करेंगे. केयर के चक्कर में थोड़ी डेयर भी करना सीखें. अच्छा, बड़े दिन से मन था टीचर्स पीऊँ, ब्लैक डॉग पीऊँ, दोनों पी के बहुत अच्छा एहसास हुआ. और इफ़ आई कंपेयर बोथ विस्कीज, आई थिंक आई कैन कंपेयर दैम सेपरेटली. बहरहाल मैं रंग का फैन हूँ. ऐसे रंग नहीं मिलते बेसिक ब्रांड्स में. क्या फ़र्क है इनमें, आपको मैंने बताया. पैसे खर्चने का फ़ायदा क्यों है, इट्स मोर स्मूथ, इट्स नॉट हार्श, इट डजेंट डैमेज योर थ्रोट, जो बेसिक एकदम से डैमेज करती है. डैमेज मतलब वो वाला डैमेज नहीं, डिस्टर्ब कह लो. चलो यस मैन, इट्स हाईली रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू मी. एंड व्हाई डू वी कंपेयर थिंग्स मैन. वो अपनी जगह अच्छी है, वो अपनी जगह अच्छी है, बट ये इस रेंज में इसका मुकाबला ऑफकोर्स ब्लैक डॉग से तो होता ही है. और ब्लैक एंड वाइट वैलेंटाइंस अभी मैंने ट्राई नहीं करी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा. बाकी हाईली रिकमेंडेड है. अकेले पीने के लिए लाजवाब है. किसी शायर से इंसान के लिए बहुत बढ़िया है. कोई लड़की जो पहली बार विस्की पीना चाहती है, उस अपनी सैलरी से एंजॉय करना, अपनी फर्स्ट सैलरी से एंजॉय करना चाहती है, या अपने बॉयफ्रेंड से भी मंगवाना चाहती है, क्या फ़र्क पड़ता है यार. जियो यार, का छोटी छोटी बातें पड़े हो. तो टीचर्स ले आओ यार, टीचर्स इट्स अ ग्रेट विस्की मैन. अगर आप कहीं बम्बई जा रहे हैं दिल्ली से, या बम्बई से दिल्ली आ रहे हैं और होटल में अकेले हैं, तो यार टीचर्स पी लो यार. कितने की है ये, 1500-1600 की बोतल आ जाती है इसकी. 780 का हाफ है तो आप लगा लो 1600 तक की बोतल आपको मिल जाएगी दिल्ली में. तो आपके शहर में टीचर्स कितने की और आपको कैसी लगती है. मुझे तो बहुत एक वर्सेटाइल अनुभव दिया इसने. सच बताऊँ तो थॉट्स को इतना उजागर नहीं किया इसने मेरे, बट फिर भी एक सोल ऑफ विस्की कह सकता हूँ मैं इसको. बट आप बड़े कंफ्यूज होंगे कि मुझे ब्लैक डॉग पसंद आई है टीचर्स. मैं भी अभी कंफ्यूज. बात यह, इट डजंट टेस्ट लाइक यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. जैसे हम बेसिक ब्रांड पीते कहते ये क्या पी लिया, रॉयल स्टैग पी गया ऐसा लगता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया. इसीलिए ये बहुत आगे है उन चीज़ों से. इट इज़ मच रिफाइंड. वो पीने के बाद ही पता लगता है, जैसे कई चीज़ें करने के बाद ही एहसास होता है ना, तो ये एहसास है. टीचर्स एक एहसास है. चीयर्स. बहरहाल मैं टीचर्स को दूंगा
पांच में से 4.7 अंक। हम इसको माप नहीं सकते और ना इसका कोई रिव्यू कर सकता है, क्योंकि सबके शरीर अलग होते हैं, सबके शरीर में वाटर लेवल और कई तरह के केमिकल सब कुछ अलग होता है, तो सबको अलग अलग नशा होता है, सबको अलग अलग स्वाद आता है, स्वाद भी आपको अलग अलग आता है। जैसे वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, एक इंसान को 55-60 की उम्र में जाके पता लगा कि वो येलो को ग्रीन बोलता है, उसको एहसास ही नहीं था। तो कुछ ऐसा ही अपना अपना अनुभव है भाई। और ऑफ कोर्स मैन, विलियम टीचर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया। और कहाँ है हमारे भारतीय ब्रांड, कहाँ है अरबों खरबों लोगों में आज हम टीचर्स को तरस रहे हैं। तो जो हमें 1600 की मिलती, अगर हमारे यहाँ भी कोई जेन्युइन ब्रांड होता तो हम 800 में पी लेते हैं टीचर्स। बहरहाल इम्पोर्टेड विस्की है, बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा नहीं कोई बाहर की विस्की है, बहुत इंडियन टच है टीचर्स का, ये बात बिल्कुल सही है। और हुसन बा कमाल है, स्वाद बा कमाल है, असर अच्छा है, और क्या चाहिए मेरी जान। और बहरहाल बहुत डिसिप्लिन्ड है, आई थिंक शायद नाम से मुझे वो वाइब्रेशन आ रही है कि हुल्लड़बाजी नहीं हो रही। और जैसे ब्लैक डॉग का इसका अपोजिट नाम है, बट आई लाइक इट मैन। सो टीचर्स इज हाईली रिकमेंडेड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज ट्रैवलिंग बॉटल। सब्सक्राइब मी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑल्सो आई हैव अ म्यूजिकल चैनल ANM म्यूजिक, सर्च ANM म्यूजिक ऑन यूट्यूब। I only have 25 subscribers right now. I need your support there also. बढ़िया लगा, पैकिंग से लेकर स्वाद से लेकर सब कुछ अच्छा लगा। बहरहाल ये राजस्थान वेरिएंट था टीचर्स का, अभी हम कोई और वेरिएंट पियेंगे तो आपको और बताएंगे। अगर कुछ रह गया है तो ज़रा एक और मधुर सा पैक बना लेते हैं। पीछे वही सब्जी वाला आया जिसकी आवाज़ हर वीडियो में आती है लगभग। एक मधुर सा पैक बनाने के बाद, मतलब पानी तो मैं कम डाल रहा हूँ, अभी और पानी डालूंगा तो बिल्कुल ही टॉनिक हो जाएगी यार। इट्स नॉट मीठी, ऑफ कोर्स जो मलेसिस के बारे में बोलते हैं मेरे सब्सक्राइबर, सच बोलते हैं यार, दे हैव गुड नॉलेज। और देखो टीचर्स के साथ बैठ के आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाती है। सो इट्स अ वेरी मैच्योर रिस्की फॉर मैच्योर पीपल। Other people can try different shit, but those who are into deep shit, this whiskey is for you. If you are a hacker and you, अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ है, ये लेके आओ यार, ये ठहराव दे रही है यार। और जो चीज़ें ठहराव देती है मुझे बहुत पसंद है, बाकमाल विस्की है। और कुछ और स्वाद से मैं इसके निकालना चाहूँ, ना शरबत है ना शराब है, ना शरबत है ना शराब है, ना पानी है ना तेजाब है, समझ में नहीं आ रहा ये टीचर्स हकीकत है या मेरा ख्वाब है। एक ख्वाब जैसी विस्की है, हमने शख्स बहुत देखे ख्वाब जैसे, पर एक ख्वाब जैसी विस्की पीने का अनुभव पहली बार हुआ जी। और अगर मेरे रिव्यू में आपको 1% भी सच्चाई लगती है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना। और अच्छे ब्रांड्स जो मैं जो लोग चाहते ही थे, अगर वो अच्छे लगते हैं तो आप ढंग से लाइक दबा दिया करें। और आई एम नॉट इनटू इट, बट कर दिया करें, अच्छा लगता है। और सुपर चैट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब भी मैं लाइव आऊँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। बाकी बहुत अच्छा लगा यार ये रिव्यू करके, मॉल्टीनेस का मुझे एक और अच्छा अनुभव हुआ आफ्टर ब्लैक डॉग। तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ये था ट्रैवलिंग बॉटल टीचर्स के साथ।